हाँ जी भाई लोग, तो वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग ऑफ आरबी क्रिएशंस। तो भाई आज आए हैं नाइट शिफ्ट से आके मैं सो गया था यार। तो अब बज रहे हैं 3 और मेरी 5 बजे की अपॉइंटमेंट है जिम की। बट 5 बजे से पहले अभी मैंने जाना है यार शॉपिंग करने वाली थी, क्योंकि जो डाइट का सामान है वो हो चुका है ख़त्म। तो पहले हम अभी 3 बजे, तो 1 घंटा 4 बजे तक मैं मैक्सी से शॉपिंग करके फिर अपनी डाइट लेके फिर हम जाएंगे जिम। बने रहो इस व्लॉग में, अब होते हैं रेडी और चलते हैं शॉपिंग करने। तो लेट्स गो। हाँ जी भाई लोग, तो हल्की हल्की बारिश हो रही है यार। तो भाई अपनी अपॉइंटमेंट थी 5 बजे की, बट 5 से करवानी पड़ेगी मुझे 6, क्योंकि अपने पास डाइट का सामान नहीं था और 4 ऑलरेडी बच गए थे। तो मैक्सी भी नहीं गया अभी, तो मैं तो अपॉइंटमेंट ऑन द स्पॉट मैं चेंज करवा ली 6:20 की। अपॉइंटमेंट का ये सिस्टम है कि अगर आपकी 6:20 की है तो 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद तक भी आप एंट्री ले सकते हो। यार वैसे जिम्स में अपॉइंटमेंट सिस्टम होता नहीं है, जब मन करे जा सकते हैं, बट यहाँ ये सिस्टम है भी कोरोना वायरस करके एक टाइम पे ये ज़्यादा बंदे नहीं अलाउट कर सकते एक प्लेस पे। तो इन्होंने एक टाइमिंग सिस्टम दे रखा है, या इन्होंने अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए बोल रखा होता है कि अपॉइंटमेंट बुक करो, तो इनकी ऐप पे ही करना होता है जाके। वो तो बाद की बातें, बट अब पहले चलते हैं मैक्सी और सामान उठाना ज़रूरी सामान डाइट के लिए, जैसे अंडे दूध वगैरह। तो उनके प्राइसेस भी बताऊँगा और उसके बाद आप चलेंगे जिम। तो लो नज़ारे यार, यहाँ का एक सिस्टम मेरे को सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज लगता है कि यहाँ पार्किंग की बहुत दिक्कत है। पार्किंग वो चौथे मरले जाके लगानी पड़ती है हमें गाड़ी, क्योंकि यहाँ पर डे वाइज होता है कि हाँ भाई मंडे को इधर लगा सकते हैं, ट्यूसडे को उधर लगा सकते हैं, क्योंकि रोड की सफाई होती है यहाँ। तो अपनी गाड़ी आज लगी है बहुत दूर, क्योंकि मैं सुबह सुबह काम से आया था और सारी स्ट्रीट फुल थी, तो दूर लगानी पड़ती है। बस यही डिसएडवांटेज है, मॉन्ट्रियल में पार्किंग की बहुत इशू है। अगर आप किसी भी अपार्टमेंट में आते हो या कोई अपार्टमेंट लेते हो, तो मेक श्योर करो कि ओनर से पहले कहो कि हमें पार्किंग चाहिए, क्योंकि पार्किंग ना हो और आपको बहुत सफ़र करना पड़ता है, स्ट्रीट्स में ढूंढना पड़ता है दूर दूर तक जाके। ये अपनी गाड़ी यहाँ लगाई थी पार्क, घर से कम 2 स्ट्रीट दूर लगाई थी। तो चलो चलते हैं फटाफट। तो महाराज जी हम पहुंचने लगे हैं मैक्सी। तो मैक्सी का ये हिसाब है यार, स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है, मतलब एज कम्पेयर टू वॉलमार्ट एंड अदर स्टोर्स, मेरे को तो मैक्सी सही लगता है, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें आ जाती हैं और सस्ता टिकाऊ एकदम बेस्ट है। तो भाई मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि जब भी आप अगर आओ मॉन्ट्रियल में, तो अपना क्लास 5 लाइसेंस एज सून एज पॉसिबल बनवाओ, क्योंकि इंडिया से अपने पास और मेक श्योर करो इंडिया से लाइसेंस लेके आओ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया से लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, जिस पे एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका, 1-1.5 साल का एक्सपीरियंस हो, तभी जाके यहाँ फाइल खुलेगी, नहीं तो फाइल नहीं खुलती है 1 साल से कम एक्सपीरियंस वाले की, ठीक है। तो लाइसेंस बनवाना बहुत ज़रूरी है, कल को आपने कोई ड्राइविंग जॉब करनी है या जैसे फैक्ट्रीज की जो कल आप कार लेते हो, ठीक है, क्योंकि फैक्ट्रीज की जॉब में क्या होता है थोड़ा हार्ड वर्क है, ड्राइविंग की जॉब्स एज कम्पेयर टू ईजी हैं और उसमें पे भी थोड़ी हाई होती है। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जितनी जल्दी आके अगर आप अपना क्लास 5 लाइसेंस बनवा सकते हो तो आपके बेनिफिट। तो भाई आप पहुंच गए मैक्सी एंड रेडी चेक लें पहले कोई, अभी शॉपिंग करेंगे, उसका हैंडल ही नहीं है।
मैक्सी, तो लेके चलते हैं आपको अंदर, लेट्स गो। पाने अब कुछ ऐसे तो लिस्ट तो बनाई नहीं, बट जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं लाइक दूध, दही, अंडे और अपना पीनट बटर ब्रेड वगैरह, ये सारी चीज़ें चखते हैं पहले। तो पहले चलते हैं अंडों की तरफ, देखते हैं क्या हिसाब करा है उसका। तो चलो, यहाँ पर होते हैं अंडे यार। हाँ ये बड़े, बड़ी ट्रे अंडों की, बड़ी ट्रे, बड़ी यार। इसका ये हिसाब है कि भाई $7.98 की ये बड़ी ट्रे आती है जिसमें 30 एग्स होते हैं। तो अपने यार जिम तो रोज जाना ही है, तो मेरे ख्याल दो ट्रे चलते हैं, दो ट्रे का ही फायदा रहेगा अपन को, बार बार कड़ा आएगा यार अंडे चकने। तो ये चकली अंडे, अब चलते हैं जूस की तरफ, जूस लेते हैं यार, जूस भी ज़रूरी है। तो ये सारे बड़े जूस, ये है मेरे ख्याल 3.28 का, ये 4, ये ट्रॉपिकाना का 6 का है। तो ये एक चक लेते हैं, ये ट्रॉपिकाना का जूस। अब लेना है हमें दूध, चलते हैं दूध की तरफ। ये सारे हैं भैया जी डेयरी प्रोडक्ट्स, जैसे मक्खन हो गया, दूध, दही होगी। तो अपन चक रहे हैं यहाँ से दूध के पैकेट, अब उनको दूध से मतलब है, बस इधर उधर तो नज़र घुमानी नहीं हमने। ये दूध का पैकेट जो है $7.16 का। तो इसमें एक पैक में 3 दूध के पैकेट आते हैं, पर एक्सपायरी चेक कर लेते हैं यार, एक मुक जाएगी हमसे। यह है सितंबर 4 तक है एक्सपायरी है इसकी। और आज कितनी डेट है, आज है मेरे ख्याल 14-15। चल जाएगा, दो पैकेट जग लेते हैं, दो पैकेट दूध के। और अब चलते हैं अपन, ब्रेड लेनी है, दूध हो गए, दही होगी, अंडे हो गए, जूस हो गए, दही लेनी है, दही, चलो दही लेने चलते हैं। सुन रहे हो अपना हाँ फ्रेंच यार, क्यूब बैग में यही एक चक्कर है कि जहाँ पर भी कोई गवर्नमेंट सर्विसेज होती हैं या लाइसेंस वगैरह की, या जैसे भी अगर शॉपिंग मॉल्स में आते हो तो जो भी अनाउंसमेंट वगैरह सब कुछ होती है वो फ्रेंच में होती है, तो बंदे को नाम समझ आती है, बस आग बंद करके चली जाओ। जो कई जगह लोगों को देख के समझ ही जाओ, अगर उन्होंने कहा भागने को, अगर लोग भाग रहे हैं तो भाग लो यहाँ से। हाँ जी, तो ये है अपना पीनट बटर जो कि है $3.48 का, जरूरी है भाई प्री वर्कआउट के लिए पीनट बटर जरूरी है। अब अपन लेनी है यार कॉफ़ी भी, क्योंकि कॉफ़ी के बिना आँखें नहीं खुलती और जिम जाना हो जाता है मुश्किल। यहाँ से चखते हैं पहले कॉफ़ी। ये आ गई भाई ये कॉफ़ी, नेस्कैफे की कॉफ़ी है जो कि है $4 की एक। नेस्कैफे चख लेते हैं, देख जाइए यार नेस्कैफे। प्रोटीन अपने पास, प्रोटीन तो अपने पास पड़ा ही है, तो प्रोटीन अपा को लेने की जरूरत नहीं है। और क्या सामान होता है जिम के रिलेटेड, कॉफ़ी होगी, अपने पीनट बटर हो गया, अंडे हो गए, दूध हो गया। अब चखते हैं ब्रेड, चखते हैं बिस्किट्स। जा गया अपना ब्रेड वाले काउंटर में, बट 100 तरह के तो ब्रेड लगे हैं भाई, चक्के कौन से यार। हाँ सबसे सस्ते देखते हैं, सबसे सस्ते ये है $4 कुछ की, बट आपको मिलेंगे इसमें दो बिग पैक्स, इतने बड़े बड़े सैंडविच ब्रेड है ये दो, और ये है सारी $4 की।
तो गुड डील है भाई, ये उठा ली एक। हाँ अब तो जिम जाना तो थोड़ी से जरूरत पड़ेगी आपा को नट्स, जो कि आप पीनट्स और अपने रेजिन्स वगैरह सब बचते हैं। यहाँ से रेट देखते हैं, एलमंड $10 का ये डब्बा है। अरे भैया जी जान लोगे क्या स्टूडेंट की? नहीं 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 नहीं, कोई बढ़िया सी डील देखते हैं। फिर ये डब्बा बढ़िया है, इसमें सब कुछ है, नट्स में पीनट्स भी हैं, इसमें रेजिन्स वगैरह, चिया सीड्स एंड ऑल ओवर सब कुछ आता है यार। ये मेरे को बेनिफिशियल लग रहा है लेना, ये बढ़िया लग रहा है, इसे चखते हैं। और अपने रह गए केले, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई जान, शेक तो केलों के साथ ही पिया जाएगा, बनाना शेक बना के पियेंगे प्रोटीन डाल के। तो चलो चलते हैं उधर की तरफ। तो ये भाई जी आ गए अपने केले पैक्ड, ये अपने आ गए भाई जी बनाना। तो भाई यार सारे साफ पड़े थे, इंडिया में ये गंद वंद पड़ा होता ना, तो सारे साफ ए टू जेड, जिन्हें चकने चको, एक दो तीन चार पाँच छः, यार अपने लग जाने ज़्यादा, दो चक लेते हैं छः छः। ये वेट के हिसाब से होते हैं, तीन चार दर्जन दर्जन के हिसाब से नहीं होते, ये वेट के हिसाब से होते हैं, जितना इनका वेट बढ़ेगा उसके हिसाब से इनके डॉलर लेंगे। अपने 12 चक लिए हैं, तो मेरे ख्याल इतना इनफ है। एंड बड़े से बिस्कुट चखते हैं, फिर चलते हैं जिम की तरफ। अब अपन पहुँच गए हैं भाई जी बिस्किट वाले सेक्शन पे, तो पहले अपने फेवरेट वाले बिस्किट उठाता हूँ मैं। ये वो फेवरेट है मेरे, तो दो रुपये ये चेक लेते हैं। हाँ जी भाई जी, अपन ने ले लिया है सारा सामान, डन काम हो गया है बिल्कुल 25, क्योंकि जिम जाने से पहले डाइट जरूरी फॉलो करनी बहुत जरूरी है। बाकी मैंने सामान इसलिए लिया, दालें प्याज आलू वगैरह, क्योंकि मेरा आता है टिफ़िन, तो मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ती उन चीज़ों की। मेरे को जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो है अपना दूध दही अंडे वगैरह, जो कि जिम जाने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, वो मैंने चख लिए। और सब कुछ मिला मिलू के यार अपना बिल बनाया $75 का, ठीक है। तो सारी चीज़ें अपन ने ऑलमोस्ट कवर कर दी, दूध दही ब्रेड वगैरह, और प्रोटीन मेरे पास पड़ा है ऑलरेडी घर पे, तो उसके बारे में आपको बताऊंगा जिम टूर के बाद। तो बने रहो इस व्लॉग में, अब चलते हैं खा के जिम, तो लेट्स गो। तो ये आए पड़े भाई अपने तीन टिफ़न, तीन जनों ने लगाए हुए हैं टिफ़न, तो पूरे टाइम पे यहाँ पहुँचे हैं, अपना सामान लेके चलते हैं अपन अंदर, लेट्स गो। तो ये रहा अपना पीनट बटर ब्रेड सैंडविच, जैसे खाते हैं और चलते हैं हम जिम। ये भाई अब आ गए जिम की तरफ, अब गाड़ी पार्क करनी पड़ती है मैक्सी पे, और वो सामने अपना जिम, तो वहाँ पार्किंग अलाउड नहीं है, तो अपने जिम अपने पार्किंग यहाँ पर ही करी हुई है मैक्सी के बाहर। तो अब चलते हैं जिम में, फिर वहाँ जाके आपको दिखाता हूँ पूरा क्या सिस्टम है। ये है भाई कोडनीस प्लाजा, इसके अंदर अपना जिम, मॉल टाइप है, इसके अंदर अपना जिम है नीचे। बड़ा मॉल है ये, तो भाई ये अपना जिम इकोनो फिटनेस, क्यूबेक में लार्जेस्ट चेन है इनकी इकोनो फिटनेस की, तो बेस्ट है यार यहाँ का ना जिम ये वाला, मतलब हर जगह पे इकोनो फिटनेस तो मिल ही जाएगा आपको। तो उनका ये कार्ड होता है, जैसे मेरी अपॉइंटमेंट है 6:20 की, और अब बजे 6:15, तो मैं 15 मिनट पहले या 15 मिनट बाद में एंट्री ले सकता हूँ इस कार्ड से, वैलिड एंट्री लेके चलते हैं अंदर। ये भाई सिस्टम जिम का, आपको दिखाता हूँ एक चीज़। हाँ जी, तो भाई पहुँच गया होगा भाई जिम में, तो ये सिस्टम है जिम का यार, ये सारे डंबल्स वगैरह, काफ़ी बड़ा जिम है, तो यहाँ पर सारी एक्सरसाइज बैक की हैं, बैक की एक्सरसाइज वगैरह, तो लोग अपना वर्कआउट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ डंबल्स जो भी अपने बाइसेप कर्ल्स वगैरह करने हैं, इस साइड आ जाती हैं मशीन्स,
जैद की मशीन, स्पैक की मशीन, सौ तरह की मशीनें हैं, ट्राइसेप हर एक पार्ट की मशीन है यार, बाइसेप की मशीन, ट्राइसेप शोल्डर, हर तरह की मशीन है। और ये आते हैं अपने बेंच प्रेस, डंबल बेंच प्रेस वगैरह वहाँ लगती है, लेग्स की एक्सरसाइज, ये बेंच प्रेस है, इंक्लाइन डिक्लाइन लेग्स, यहाँ लोग करते हैं कार्डियो। तो ये है ऑल ओवर जिम का टूर, बाकी मेरे को पता नहीं हम वीडियो बनाने देते कि नहीं, क्योंकि सब दूर दूर से देख रहे हैं, बट नो प्रॉब्लम, आपका भाई सारी इन्फॉर्मेशन आप तक लेके आएगा। यहाँ है मशीन सारी, ये सब कर रहे हैं साइकिलिंग, वो आगे हो रहा कार्डियो, जो यहाँ का बेस्ट पार्ट मेरे को लगता है वो है जो मेरा प्लान है ना, ये वेंडिंग मशीन भी हैं आपको अगर डिहाइड्रेटेड वगैरह फील कर रहे हो तो वो, बाकी आप मसाज स्पा वगैरह सही है, आपका बेड अपना वर्कआउट करो और इस पे आके आराम से सो जाओ, मसाज दो, ये मेरे प्लान के अंदर ही है, तो मैं बताऊंगा आपको कितने का प्लान है मेरा। बाकी ये मसाजिंग चेयर्स और ये ऑल ओवर के लिए काफ़ी खुला डर, तो बाकी टूर तो आपको क्या देखना था, जिम देखना था कि ऑल ओवर है कैसा, तो फिर मैं आपको दिखा दिया है हर एक चीज़, मशीन वगैरह क्लोजली अब दिखाने लगूंगा यार, यहाँ पता नहीं वीडियो अलाउड है कि नहीं, बाकी आपको ऑल ओवर मोटा मोटा तो दिखा दिया। तो बाकी आप मिलते हैं आपको वर्कआउट करने के बाद, फिर आपको बताऊंगा क्या प्लान है यहाँ के, मेरा कितने का प्लान बनता है यहाँ, कितने पैसे मैं भरता हूँ मंथली, और उसके बाद प्रोटीन वगैरह बनता है, तो बने रहो ब्लॉग में। तो अब मिलते हैं वर्कआउट के बाद। हाँ जी, तो वर्कआउट हो गया अपना डन, चल रहे हैं घर और जाके आपको बताते हैं कि क्या सिस्टम है प्रोटीन एंड मेंबरशिप प्लान्स का, तो स्टे ट्यून। हाँ जी भाई लोग, तो अब पहुंच चुके हैं घर और अब मैं आपको बताता हूँ कि मेंबरशिप प्लान का क्या चक्कर है। जैसे आपने जिम तो देख लिया, जिम मेरा है इकोनो फिटनेस, 5 या 10 किलोमीटर के अंदर अंदर का हर इकोनो फिटनेस ब्रांच है, ठीक है। जैसे एक और अब बात करता हूँ स्टेप बाय स्टेप में, तो जो वीकेंड के लिए अप्लाई करेंगे, जो कि सिर्फ सैटरडे संडे जिम जाना चाहते हैं, ठीक है, जो दो दिन ही जाना चाहते हैं, उनकी है मेरे $10 per month आएगी उनकी, ठीक है, $10 per month, और वो वीकेंड्स में जा सकते हैं, बट उनके लिए रिस्ट्रिक्शंस बहुत हैं, जैसे मतलब सिर्फ कोऑर्डिनेट्स वाले में ही जा सकते हैं, मतलब किसी भी एक इकोनो फिटनेस में ही जा सकते हैं जो उनके घर के नियर बाय, जैसे मेरे, मैं कोऑर्डिनेट्स का एग्जांपल दूंगा क्योंकि मेरे घर के पास कोऑर्डिनेट्स ही है, अगर मैं वीकेंड वाले मेंबरशिप ली होती तो मैं सिर्फ कोऑर्डिनेट्स वाले जिम में ही जा सकता हूँ, अपॉइंटमेंट बुक करके अगर स्लॉट है मेरे टाइम के अकॉर्डिंग तो जाऊँगा, नहीं है तो नहीं जा सकता, ठीक है। सेकंड, जो एवरेज है, जो एवरेज मेंबरशिप है वो है अराउंड $7 bi-weekly, $7 bi-weekly है, तो उसमें मेरे ख्याल रिस्ट्रिक्शन है कि हाँ एक ही जिम में जा सकते हैं, जैसे कि कोऑर्डिनेट्स वाले में ही, और उसमें ये है कि अपना स्पा और अपना बेड मसाज वगैरह कोई कुछ इंक्लूडेड नहीं है, तो ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, और अपॉइंटमेंट लेके ही जाना है, अपॉइंटमेंट सब में लेनी है सारी मेंबरशिप प्लान्स में, बट इसमें ये है कि अगर आपके टाइम स्लॉट में, जैसे अगर आपको 4 बजे जाना हो, 4 बजे इस जिम में अपॉइंटमेंट नहीं है, तो आप और किसी जिम में नहीं जा सकते इकोनो फिटनेस के। अब बात करते हैं जो कि प्लेटिनम जो मेरा है, जो कि $25 per month करता है, उसमें मैं अपॉइंटमेंट लेके किसी भी माउंटेन के जिम में जा सकता हूँ इकोनो फिटनेस के, ठीक है, और इसमें स्पा, इसमें बेड मसाज, इसमें मसाज चेयर्स वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड है। तो इसके बाद आ जाती है एक्स्ट्रा मेंबरशिप, वो मेरे ख्याल होती होगी $30 per month की, $30 per month, बट उसमें सब कुछ सेम है, बस एक मेरे ख्याल ऑनलाइन, अगर जो ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं घर बैठे वो भी ले सकते हैं, और उनको असेस होता है जिम के लिए भी, तो यही डिफरेंस है। बाकी ये सारे मेंबरशिप प्लान्स आपको बता दिए, ठीक है, और अब जब बात करते हैं प्रोटीन की, तो प्रोटीन मेरे पास है भाई
बिग टाइम प्रिसीजन का प्रोटीन है मेरे पास और ये 4.54 kg का, ठीक है। इसमें 60 ग्राम प्रोटीन है, कितनी कैलरीज हैं, और ये बेसिकली प्रोटीन प्लस गेनर है मेरे पास। तो इसमें 2:1 के अकॉर्डिंग प्रोटीन है और प्लस गेनर जो भी कैलरीज वगैरह हैं। 5 ग्राम क्रिएटिन मसल टिश्यू रिपेयर के लिए हेल्प करता है और अपना टेस्ट वगैरह सब कुछ बढ़िया इसका। तो इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं लगे मुझे अभी तक, इफेक्ट नहीं है। बनाना शेक में अपना पीनट बटर डाल के या सारे एग्स वगैरह या नट्स वट्स डाल के अगर शेक बनाओ तो बढ़िया गेनर शेक बन सकता है। और मेरा वेट सीरियसली बढ़ा है, जैसे मैं जब आया था मेरा था अराउंड 65 के आसपास, और 3-4 महीने जिम नहीं किया बिल्कुल और काम करा था यहाँ पर जब, तो मेरा वेट काफ़ी डाउन हो गया था, अराउंड 59 के आसपास चल गया था। तो फिर महीना हो गया मेरे को ये प्रोटीन खाते हुए, प्रोटीन प्लस गेनर, तो मेरा वेट बैक टू 63 आ गया। तो मेरे लिए ये चीज़ अच्छी है। और एक चीज़ और, अगर आपको पता करना है कि हाँ भाई साइड इफ़ेक्ट कैसा है, अगर ये आपको बॉडी को सूट कर रहा है कि नहीं, तो ये स्टमक अपसेट रहना स्टार्ट हो जाएगा आपका, तो आपको उसे छोड़ देना, ठीक है, उसे यूज़ नहीं करना। तो मेरे साथ ऐसा कोई केस नहीं है, मेरे को ये सूट कर रहा है, तो तभी ऐसे एज अ शेक बना के पीता हूँ। और बात रही ये कहाँ से मिलता है, तो भाई यहाँ पर सारे पपाइस के स्टोर पर ही अवेलेबल है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें आपको मैंने कवर कर दिया कि क्या सिस्टम है जिम का, जो जिम के शौकीन है उनको कितनी पेमेंट भरनी है पर मंथ अगर वो जिम करना चाहते हैं, और प्रोटीन्स वगैरह का क्या सिस्टम है। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर कर दी हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब, और इस चैनल को जितना शेयर कर सकते हो करो। और भी ब्लॉग्स आने वाले हैं, अब कंटिन्यू रहेंगे इस चैनल पर। तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको शो रहेगी, इसे जाके फॉलो करो, और इस पर कोई भी क्वेश्चन आते हैं मेरे को DM करो। बन रहो इस चैनल के साथ, मीटिंग द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन टेक केयर, बाय, सी यू सून।